मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात अब पालिका चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज की। चेयरमैन ने शहर के सभी मीट विक्रेताओं के साथ बैठक कर कहा कि स्लैटर हाउस में उनको सभी तरह की सुविधाएं पालिका द्वारा जल्द मुहैया करा दी जाएंगी। उसके बाद मीट व्यापारी कटान का कार्य पशु वधशाला में ही करें। इस तरह के निर्देश शासन व सुप्रीम कोर्ट से उनको मिले हैं, जिसका पालन कराना उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने शहर के मीट व्यापारियों से सहयोग की अपील की। नगर पालिका परिषद में हुई मीट व्यापारियों की बैठक में पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद हयात और आसिफ कुरैशी ने बीफ व्यापारियों की समस्याओं से चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज को अवगत कराते हुए पशु वधशाला में पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण, पीने के पानी के लिए हैंड पंप लगवाने, कटिंग के लिए कवर्ड एरिया बढ़वाने, बिजली सफाई का विशेष इंतजाम करने के साथ ही पशु वधशाला से कांट रोड तक सीसी की पक्की सड़क का निर्माण कराने की मांग की, जिनको जल्द पूरा करने का आश्वासन चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज ने मीट व्यापारियों को दिया। इस मौके पर टीएस सुहेल अहमद, लेखाधिकारी असद रजा, बड़े बाबू जावेद खां, नदीम कुरैशी, शरीफ अहमद, मुन्ना कुरैशी, रौनक कुरैशी, मोहम्मद खलील, अंजुम, मोहम्मद तैयब सहित भारी संख्या में कुरैश बिरादरी के लोग मौजूद थे। नगर पालिका परिषद अमरोहा में हमारे जो मांस व्यापारी हैं, जिनके लाइसेंस हैं दुकानों के गोश्त बेचने के लिए, उनको और उनके समाज के जिम्मेदार लोगों को आज यहाँ नगर पालिका में बुलाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले कवरेज भी दिखा चुके हैं अपने चैनल के ज़रिए से, कि हमारा जो स्लैटर हाउस था वो उसके यहाँ उसमें व्यवस्थाएं कम थीं, सुविधाएं कम थीं, जिसके मद्देनज़र नगर पालिका परिषद ने उन तमाम चीज़ों को वहाँ पर मुहैया कराने की कोशिश की है, जिससे स्लैटिंग करने वालों को, कटान करने वालों को आसानी पैदा हो। हमने तकरीबन 4.5 बीघा ज़मीन को प्लेटफॉर्म बना बनाकर उसको सीसी किया है और वहाँ पर ब्लड और वाटर के लिए टैंक बनाए हैं ज़मीन में, साथ ही समर सिविर और तमाम सुविधाएं जो ज़रूरी हैं वहाँ पर देने का काम किया है। इसका लाइट का कनेक्शन देने के लिए वहाँ पर तकरीबन 9 खंभे लगाकर और एक नया ट्रांसफार्मर वहाँ पर रखा गया है, और जिससे समर सिविर की का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की मीटिंग जो है वो इस मकसद से की जा रही है, ताकि हम अपने इन व्यापारियों को और जो हमारे लाइसेंसधारी हैं, जिनका नगर पालिका से लाइसेंस जारी हुआ है, उन लोगों से बातचीत की जाए कि क्योंकि शहर में गंदगी को लेकर आमतौर पर शिकायतें मिलती रहती हैं, और घरों में जो स्लैटिंग की जा रही है, घरों में जो मवेशियों का कटान किया जा रहा है, उससे जहां गंदगी पैदा हो रही है वहां पर ओवरफ्लो की शिकायत भी लगातार मिल रही है। नालियों में आप जैसा कि जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शासन के आदेश इतने सख्त हैं कि जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं इस बात के लिए कि स्लैटर हाउस पर ही मवेशियों का कटान किया जाए, वहीं पर ही हाथे पर जाकर ही जो है वो हमारे व्यापारी भैंसे वगैरह को काटने का काम करें। इस के लिए एक मीटिंग इसलिए बुलाई गई है ताकि उनको हम इस बात के लिए आगाह कर सकें कि अगरचे ऐसा नहीं किया जाता है तो भविष्य में जो कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, जो कई मरतबा नगर पालिका परिषद की सीमाओं से बाहर हो सकती हैं, शासन स्तर पर कार्रवाइयाँ जो होती रही हैं, लगातार कई मरतबा शासन आदेश आए हैं, लेकिन शहर स्लैटर हाउस का मुकम्मल न होने की वजह से हम लोग उस सिलसिले में ज़्यादा तंबी नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब स्लैटर हाउस मुकम्मल हो गया तो उसके बाद भी अगर अवैध कटान होगा तो यकीनी तौर पर वो पकड़ का बाइस है, और उसमें शासन स्तर पर जिलाधिकारी स्तर पर भी और कोर्ट के आदेश के अनुपालन में भी उसको सुनिश्चित कराना या कटान को स्लैटर हाउस पे ही कराना हमारे लिए सुनिश्चित हो जाएगा। इस सिलसिले में आज की मीटिंग बुलाई गई है जिम्मेदारों की, ताकि उनको बताया जा सके कि इस सिलसिले में कोई लापरवाही न बरते, क्योंकि अब जैसा कि देखा गया है कि कई इलाकों में ख़ास तौर पर इसकी वजह से परेशानी पैदा हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज की मीटिंग है इसका कारगर और पॉजिटिव इसका नतीजा निकलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, और हमारे जो व्यापारी हैं इस सिलसिले में वो इसमें हमारा सहयोग करेंगे, और शहर सबका है और गंदगी अगर है या कोई कमी है तो उसका नुकसान भी सबका है।